inshallah. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine with the grace of almighty Allah. Aaj hum lesson start karenge aapka chapter number jo measurement hai usme pehli cheez length hai. Length ko discuss karenge. Length mein jo aapke book ke andar teen main cheezein aati hain sabse pehle unhe discuss karte hain. 1 kilometer ke andar 1000 meters hote hain. Yani ke 1000 meters milke 1 kilometer banate hain. Same isi tarah 1 meter ke andar 100 centimeter available hote hain. और 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं. सेम इसी तरह 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं. 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं. अब आ रही है एक्सरसाइज 5A पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर. क्वेश्चन नंबर 1 पे जो फर्स्ट चीज है उन्होंने कहा 4569 मीटर इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू. तो आपने बताना है कि 4569 जो मीटर्स हैं वो सेंटीमीटर्स में क्या होंगे. तो हमने पढ़ा था कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हम उसको राइट कर देंगे. सेकंड क्वेश्चन है, बी पार्ट है, 789 किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर, यानी कि 789 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं. तो हमने पढ़ा था कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं. सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 1000. इस डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. नंबर थर्ड पे वो लिखा हुआ है उसने, द सम ऑफ द 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर विल बी. आंसर हमने लिखना है मिलीमीटर्स में. तो सिंपल चीज है कि हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 40 बन जाएगा. 40 प्लस 20 60 मिलीमीटर हो गया. सेम ये 60 प्लस 9 तो 69 हो गया. 60 प्लस 69 मिलीमीटर को सम करेंगे तो 129 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा. वो कहता है डिफरेंस बिटवीन 40 किलोमीटर एंड 50 मीटर एंड 40 किलोमीटर इज इक्वल टू. तो आप 40 किलोमीटर 50 मीटर में से 14 किलोमीटर निकाल देंगे. 14 किलोमीटर 50 मीटर 14 किलोमीटर आप इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 50 मीटर आंसर रह जाएगा. आगे वो कह रहा है 259 मीटर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स में. तो हमने पढ़ रखा है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 मिलीमीटर्स अवेलेबल होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं. तो हमने मीटर्स को मिलीमीटर में लेके जाना है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो हम इसे मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं. वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू द मीटर्स विल बी द 50,000 मीटर्स. हमारे पास हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. अगर 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मीटर आएगा, लेकिन यहां पर 50,000 है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ द रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. देखें जो भी घर की जो वॉल होती है जब हम मेजर करते हैं तो हम बताते हैं कितने मीटर ऊंची है, मिलीमीटर्स में हम कभी नहीं बताते. तो लिहाजा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी. वो कहता है हाफ किलोमीटर इक्वल टू 500 मीटर. देखिए 1 किलोमीटर 1 मीटर के 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं. अगर इसे हाफ करें आधा करें तो 500 मीटर, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू द मिलीमीटर विल बी द 5000 मिलीमीटर. आप देखें हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं. अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 500 मिलीमीटर आएगा, लेकिन यहां पर 5000 है, सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी. डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर. नो डेफिनेटली जो डिस्टेंस होता है दो कंट्रीज के दरमियान में वो मेजर किया जाता है किलोमीटर में, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. यहां पर हमें कुछ कन्वर्ट दिए, ऑप्शन दी हुई है मल्टीपल चॉइस में, हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. वो कहता है कन्वर्ट करें 50 मीटर को सेंटीमीटर के अंदर. तो जब हम 50 मीटर को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 500 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो इट मीन दैट हमारी सी ऑप्शन ठीक होगी. नंबर 2 पे अगर हम देखें तो कह रहा है कन्वर्ट 1800 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर. तो ये भी सेंटीमीटर है, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे मिलीमीटर में जाने के लिए. तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 180 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा. देखिए नेक्स्ट में है द करेक्ट मेजर हाइट ऑफ द डोर. डोर की जो हाइट होती है ये भी आपको बताना किलोमीटर में होती है ना सेंटीमीटर में होती है ना मिलीमीटर में, हम बताते हैं मीटर्स में. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या है, मीटर्स. 15 मीटर प्लस 56 सेंटीमीटर प्लस 18 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू. आप दोनों को सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करेंगे, मीटर्स को मीटर में ऐड करेंगे,
तो आपका आएगा आंसर 35 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह देखिए लास्ट में 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर से माइनस करके 9 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। Yeah.